पूरी दुनिया में योग का अध्ययन बढ़ा है, दुनिया इसे अपना रही है, मगर भारत अभी योग को लेकर उदासीन है, जो कि चिंता का विषय है। ये बात मंडी में विवेकानंद मेडिकल ट्रस्ट पालमपुर द्वारा आयोजित निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर के दौरान कही गई। इस अवसर पर शांता कुमार ने युवाओं को योग अपनाने का आह्वान भी किया। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में योग और पंचकर्मा को लेकर चिंतन हो रहा है, साथ ही भारत में भी कई स्थानों पर अध्ययन चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने युवाओं को आह्वान करते हुए कहा कि आने वाले वक्त युवाओं का है, और यदि प्रधानमंत्री के सपने को साकार करना है और शहीदों के सम्मान का भारत बनाना है तो युवाओं को आगे आकर योग को अपनाना होगा। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे पालमपुर में कायाकल्प में आकर योग को अपनाएं और पूरे प्रदेश में इसको लेकर प्रचार करें। आपको बता दें कि बिपाशा सदन झोली में विवेकानंद मेडिकल रिसर्च ट्रस्ट पालमपुर के कायाकल्प की ओर से 2 दिवसीय निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। हिमालयन योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा शोध संस्थान पालमपुर के सौजन्य से आयोजित इस स्वास्थ्य जाँच शिविर के दौरान जहाँ निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की जा रही है, वहीं इस शिविर के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवाने वाले लोगों को कायाकल्प पालमपुर में 30% छूट भी दी गई। आज का कार्यक्रम मुख्य रूप से पालमपुर में योग प्राकृतिक चिकित्सा के केंद्र की जानकारी देना और मंडी के लोगों से हम कहना चाहते हैं कि वो भी इसका लाभ उठाने के लिए पालमपुर आए, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर योग का प्रचार बढ़ रहा है और बीमारियों से बचने का, स्वस्थ जीवन जीने का एक बहुत बड़ा वरदान है योग, तो उसका प्रचार करने के लिए, उसका निमंत्रण देने के लिए हम आज मंडी में आए हैं। हमारे कायाकल्प के डॉक्टर्स यहां पर आज का दिन, कल का पूरा दिन रहेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, और हमने ये भी कहा है कि यहां पर जो रजिस्ट्रेशन करवा करके पालमपुर आएंगे उनको फरवरी और मार्च के महीने में 30% का विशेष डिस्काउंट इलाज के शुल्क में भी हम देंगे। युवाओं के लिए मेरा संदेश है कि भारत को उनसे बहुत बड़ी आशाएं हैं, उनको आने वाला भारत बनाना है, और जैसे हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं शहीदों के सपनों का भारत बनाना है, तो शहीदों के सपनों का भारत बनाना है तो उनको स्वस्थ जीवन जीना है, और हिमाचल के नौजवान कायाकल्प में आए और स्वस्थ जीवन जीने की कला सीखें और फिर प्रदेश और देश के लिए काम करें।